गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। पुलिस की वर्दी की आड़ में सर्राफा कारोबारियों से चेकिंग का झांसा देकर 19 लाख का सोना और 10 लाख नकद लूट का मामला निकला सही। बस्ती जिले में तैनात दरोगा धर्मेंद्र यादव ही लुटेरों का निकला सरगना। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने 24 घंटे के अंदर ही सनसनीखेज लूटकांड का किया खुलासा। कहा, लूट का 100% माल किया गया है बरामद। थोड़ी सी सजगता रखेगी परिवार को खुशहाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सड़क सुरक्षा माह अभियान का शुभारंभ। कहा, एक व्यक्ति की गलती की कीमत भुगतता है पूरा परिवार। सीएम ने किया परिवहन विभाग के 55,70,00,000 रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। बुधवार को शासन ने चौरी चौरा कांड का लोगो किया लॉन्च। जिलाधिकारी ने कहा, 4 फरवरी को शताब्दी वर्ष पर चौरी चौरा में होगा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश की महान विभूतियां होंगी शामिल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 टीकाकरण अभियान की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक। कोरोना वैक्सीनेशन के 100% सफलता के दिए निर्देश। कहा, अफवाहों पर ना दे ध्यान, सक्सेसफुल रहा है टीकाकरण। फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगा शकरकंद महोत्सव। एक जिला एक खाद्य पदार्थ योजना के तहत आयोजित महोत्सव में सेहतमंद सुनहरी शकरकंद के लजीज व्यंजनों का लोग ले सकेंगे लुफ्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वर्चुअल शुभारंभ। अधिकारियों को दिलाया शपथ। तत्पश्चात डीएम के विजेंद्र पांडियन कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को किया रवाना। सीडीओ की पहल पर जिले के आईएएस और पीसीएस अधिकारी अब आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे गरीब और मेधावी छात्रों को देंगे निशुल्क कोचिंग। इच्छुक छात्र एनआईसी के लिंक पर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अपर आयुक्त प्रशासन ने किया सदर तहसील का मुआयना। पत्रावलियों कोर्ट सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कुछ बिंदुओं पर दिखे असंतुष्ट, सुधार लाने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत संभागीय परिवहन कार्यालय पर नगर विधायक ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, सड़क सुरक्षा के प्रति रहे सतर्क, यातायात नियमों का करें पालन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक। कायाकल्प, दीक्षा ऐप, संपदा पोर्टल सहित अन्य योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। गोरखपुर जिले को 2 कंपनियों की मिली 8,644 वायल वैक्सीन। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, 22 जनवरी को 41 बूथों पर 4100 लोगों को लगाया जाएगा कोरोना वैक्सीन। पहले चरण में 25,110 लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का मिला है निर्देश। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,352। अब तक 354 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 123 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए शासन के द्वारा दिए जाने वाले पेंशन योजना के लिए लगाया गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शिविर। उप समायुक्त ने कहा, योजना के पात्रों को 60 वर्ष बाद मिलेगा 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन। एडी स्कूल में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा की लगाई गई जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी 2021। सीनियर वर्ग से 15 और जूनियर वर्ग से 39 प्रस्तुत किए गए मॉडल। शिक्षकों ने बच्चों की प्रतिभाओं की सराहना। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज में चल रहे आमंत्रण फुटबॉल लीग प्रतियोगिता की ट्रॉफी पर केंद्रीय विद्यालय की टीम ने किया कब्जा। नीना थापा को 3-1 से हराकर जीत की हासिल।